हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे चावल का पिट्ठा। इसे बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है उसे नोट कर लीजिए। ये है भिगोया हुआ चना दाल, हमने आधा किलो लिया है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए थोड़ा क्वांटिटी है। 8 घंटा सोक किया हुआ ये चना दाल। इसमें मिलाना है आपको सरसों तेल, कटी हुई हरी मिर्ची, लहसुन, खटास के लिए नींबू, कटी हुई धनिया पत्ती, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये है स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए, ये पीसने के बाद चना दाल का कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये सभी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर देनी है। मिक्स कर लीजिए और उसके ऊपर का कवर बनाने के लिए आपको लेना है चावल का आटा। पहले आप एक पतीले में पानी गर्म कर लीजिए। पानी गर्म कर लीजिए, बॉईल करने के बाद उसे कम कर दीजिए और फिर उसमें थोड़ा घी डाल के आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा बैचेस में चावल का आटा डालिए और उसे मिलाते रहिए एक हाथ से। इस तरीके से आपको मिलाना है। इस पानी में हमने नमक भी डाला हुआ है, स्वाद अनुसार नमक डालना है आपको। और ये थोड़ा थोड़ा करके आपको मिलाते जाना है कि लम्स नहीं फॉर्म हो, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। इस तरीके से आपको उसे मिलाते रहना है। एक बार बॉईल हो जाने के बाद गैस बंद कर लीजिएगा पानी का। ये देखिए, एक बार ये अच्छे से मिल जाए उसके बाद आपको मिलाने के बाद आपको गैस बंद करके इसे ढक के रखना है। 15-20 मिनट उसको आप ढक के रखें। अभी भी थोड़ा गीला है। अभी आपने वो आटा को 15 मिनट रखने का, तो वो आटा गूंद लीजिए और फिर आटा के पेड़े बना के ऐसे देखिए, इसी तरीके से उसे अंगूठे से दबा के इस तरीके से करना है। अपने हाथों में पहले घी अच्छे से लगा लीजिए, फिर उसे लीजिए आटे को। इससे आपके हाथ में आटा चिपकेगा नहीं, नहीं तो सब आटा आपके हाथ में चिपक जाएगा क्योंकि चावल का आटा थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। इस तरीके से आपको सब पूरा एक ही थिकनेस का ये कटोरियाँ जैसा बनाना है चावल के आटे का। कटोरियाँ नहीं तो कम से कम फ्लैट आप उसे थोड़ा सा कर लीजिए। उसके बाद आप उसके अंदर वो मसाला भर लीजिए। देखिए इस तरीके से उसे बना के उसके अंदर मसाला भर लीजिए। मसाला भर लीजिए और उसके बाद उसे जो शेप में आप डालना चाहें वैसा शेप आप कर सकते हैं। गोल भी कर सकते हैं, स्टार शेप कर सकते हैं आप। फिर लंबा शेप लेना है आपको, लंबा लीजिए। मुझे लंबा शेप ज़्यादा ईजी लगता है तो मैंने वैसे लंबा लिया था। ये देखिए इस तरीके से ये स्टार शेप है। आपको जैसा पसंद है वैसा शेप बनाइए, जो कम्फर्टेबल होता है वो आप कीजिए। हम इसे कटोरियाँ को ओपन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोग इसे स्टीमर में पकाने वाले हैं। अगर इसका दूसरा मेथड पानी में बॉईल करने का भी रहता है, अगर हमें पानी में बॉईल करना रहता है तो हम पूरा कवर करते वो दाल को, सो दैट वो दाल निकले नहीं उस कवरिंग में से। बट हम एज स्टीमर में पका रहे हैं, जो काफ़ी इजी मेथड रहता है। इडली कुकर को हम गैस पे रख के उस इडली कुकर में स्टीम करने वाले हैं, वो भी मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगी अभी। ये देखिए, पहले आप पूरा ये फिलिंग वगैरह करके सारे ये रेडी कर लीजिए। इस तरीके से पूरा रेडी कर लीजिए आप। आपको ये इडली कुकर में पानी डाल लीजिए या जो भी स्टीमर है आपके पास उसमें पानी डालना है आपको। उसके बाद उसके अंदर अभी देखिए, आपको ये जितना भी मोल्ड्स है इसको ग्रीस कर लेना है घी से। इस तरीके से कीजिए और उसके ऊपर पिट्ठा रखिए। ये देखिए इस तरीके से पिट्ठा को रख के आपको उसे कवर करके रख देना है 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आपको देखना है, आपका जैसा बॉयलर या स्टीमर है उस अकॉर्डिंगली आप उस पर देखिए। इडली कुकर में लगभग 20 मिनट तक हम पकने के लिए छोड़ते हैं। ये देखिए तेज आंच पे हमने उसे छोड़ दिया है 20 मिनट के लिए।
देखिए 20 मिनट बाद हमने खोल के देखा है ये पक गया है। थैंक यू। अगर आपको ये डिश अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे दूसरे रेसिपी के साथ।